के लिए आपने एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए, इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन के लिए अपने बुनियादी इश्यूज पर तवज्जो देना पड़ेगा, जैसे गैस का इशू है, जैसा पानी का इशू है, अगर ये महसूस होता है दीज आर द सॉर्ट ऑफ इश्यूज दैट आर एक्सप्लॉइटेड, तो आपने इंश्योर करना है कि आप घर घर तक गैस पहुंचाएं, घर घर तक पानी पहुंचाएं, बुनियादी जो इश्यूज है उनको भी तवज्जो देना पड़ेगा। और ये जो ओवरऑल अप्रोच है, जो ओवरऑल कॉन्वर्सेशन है, ये मैं समझता हूँ इस अंदाज जो मुआशी इंसाफ कहते हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही का हिस्ट्री भी रहा है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी जो इकोनॉमिक मुआशी इंसाफ का बुनियाद रखा था, और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की पूरी सियासी जदोजहद भी इसी अंदाज में थी। सदर जरदारी ने खैबर पख्तूनख्वा को के मिसाइल के हल करने की कोशिश थी, तो फीलिंग ऑफ एलियनेशन को एड्रेस करने की कोशिश की, खैबर पख्तूनख्वा का नाम देने का वजह भी ये था। सदर जरदारी के दौर में जो 18th अमेंडमेंट और NFCA वोट पास हुआ, दैट वाज टू इंश्योर दैट वी एम्पावर द लोकल प्रोविंशियल असेंबली, वी एम्पावर ताकि वो जो वसाइल है, जो आपके हक है, वो आपके पास हो। और जब तक अगर ये सिस्टम, मैं समझता हूँ पिछले 5 साल में भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया इस पर, और आगे जाके अगर जो हुकूमत बनते हैं वो 18th अमेंडमेंट पे NFCA अवार्ड पे जो आपके हकूक है उन पर इम्प्लीमेंट नहीं करते या उन पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, तो वी वॉन्ट बी एबल टू कॉम्प्रहेंसिवली डील विद द इशूज that are the fundamental issues of the province, of the area. Aur ye ek quick choti baat nahi hai. These are your fundamental rights. These are fundamental rights that have been deprived of not just Pakhtunkhwa but of other provinces. And the Pakistan People's Party will continue to take that fight up in the federal government, inshallah ta'ala. After the elections, मैं फिर से जो overall सियासी माहौल है उस पर भी बात करना चाहूँगा। Obviously दहशतगर्द चाहते हैं कि ये खौफ की फिजा के थ्रू ये हमारा जमहूरियत, हमारा फ्रीडम्स को अफेक्ट की जाए, मगर इंशाल्लाह ये कामयाब नहीं होंगे। मैं फिर से रिइटरेट करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शंस टाइम पर चाहती हैं, और इंशाल्लाह इलेक्शंस टाइम पर होंगे, मगर एक लेवल प्लेइंग फील्ड भी ज़रूरी है। और इस वक्त में पूरा मुल्क में मुझे कंप्लेंट्स आ रहे हैं, मुझे इश्यूज है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जाता है, नहीं दिया जा रहा है हमारे पार्टी को और दूसरे पार्टीज को, खसूस पार्टीज को, स्पेशल पार्टीज को फेवर किया जा रहा है। इस सिलसिले को इलेक्शन कमीशन को, इंटरिम हुकूमत ने शुड बी टेकिंग इट सीरियसली। हम अपने कंप्लेंट्स रजिस्टर भी किए हैं और हम इसको सेनेट फ्लोर ऑफ द सेनेट पे भी रेज करेंगे। मैं यहाँ से माय नेक्स्ट प्लान इज टू गो टू क्वेटा। आई विल बी स्टॉपिंग ऑन द वे इन इस्लामाबाद टू मीट विद पार्टी लीडरशिप टू डिस्कस दीज कंसर्न्स एंड द ओवरऑल सिचुएशन इन द कंट्री ऑल्सो। And while I can't reveal the exact time and date, inshallah, main Quetta jaake uske baad my campaign will continue from Rawalpindi and Islamabad also. Main phir se emphasize karna chahta hoon ki free and fair elections hamara haq hai. Free and fair elections ke baghair kuch jo agar koi mutanaza parliament, kamzor parliament banta hai, utne hi mushkil hoga आवाम के मसाइल हल करने के लिए। और हमने 2013 में कुछ एक्सपीरियंसेस किए थे, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वी सॉ द डैमेज दैट कैन बी ब्रॉट ऑन सोसाइटी एंड ऑन आवर कंट्री। और जब तक हम इन इश्यूज को एड्रेस नहीं करते, हम बार बार ये मिस्टेक्स रिपीट करते रहेंगे, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू मूव फॉरवर्ड। मैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए, सवाल करना हो तो नाम बता दें और
कौन सा जी सर? ये आज अखबार में है कि सूबाई हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के जल्स और ये घरों में तकरीबात पर पाबंदी लगाई, तो इस ऑर्डर को आप किस नजर से? मैं इसको आई हैवंट सीन कि अगर ये कोई जेन्युइन ऑर्डर है या नहीं, लेकिन ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल होगा अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस तरीके से सिंगल आउट किया जा रहा है और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैंपेन में हमें पहले से भी कोई आई मीन फ्रॉम बिफोर एनी इंसिडेंट आई हैव बीन रिसीविंग कंप्लेंट्स फ्रॉम माय पार्टी एंड माय कैंडिडेट्स के जो इंतज़ामिया है मुख्तलिफ जगहों में दे आर ट्रीटिंग अस डिफरेंटली टू अदर पोलिटिकल पार्टीज. हमें तंग किया जाता है, जैसे मुझे मेरे उच्च शरीफ में और मुल्तान में इजाज़त कैंसिल किए जा रहे थे, हमारा पार्टी को भी इजाज़त एक्सेट्रा पे तंग किया जाता था, सिक्योरिटी पे अरेंजमेंट्स में. और अभी अगर ये न्यूज़ जिसका आपको जिक्र कर रहा है सिंगल आउट किया जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो ये एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल होगा और हम इसको इलेक्शन कमीशन के सामने रेज करेंगे. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक हमने 1988 से लेकर इलेक्शंस लड़े हैं और हमने मुख्तलिफ किस्म के अनइवन प्लेइंग फील्ड्स का सामना किया है. और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का जो एक 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 सोच थी कि जितना भी कमज़ोर जमहूरियत हो वो अमीरियत से तो बेहतर है, अभी तक हम उस फिलासफी के मुताबिक चल रहे हैं. मैं समझता हूँ कि इन सब टैक्टिक्स के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन के उम्मीदवार लॉयर है, वफादार है, काम कर रहे हैं मुश्किलात के बावजूद, और हम रिजल्ट्स भी दिखाएंगे इस मुताबिक. जो कंडे इस्तेमाल करते हैं हमारे खिलाफ उतना ही ज़्यादा हमारा वोटर, हमारे कारकुन और जोश में आते हैं और जज्बे में आते हैं और हमारे पीछे ज़्यादा दे आर स्ट्रॉन्गर एंड मोर मोटिवेटेड टू बी विद अस. मगर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप मैं कब तक बर्दाश्त ये कर सकता? एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल. और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दीवार से नहीं लगाया जाए. आप बेटा मेरा इदारों के दरमियान टकराव नहीं होना चाहिए. पीपल्स पार्टी पहले भी ये कहती थी, पार्लियामान ही वो फोरम होता है जो जगह है जहां सब अवाम के मसाइल हल होने भी चाहिए. और अगर इंस्टीट्यूशंस को अपने किरदार में, अपने आईनी स्ट्रक्चर में रहने चाहिए ताकि अवाम का मसाइल हल होने चाहिए, एंड इट्स डेफिनेटली नॉट अ गुड साइन फॉर डेमोक्रेसी इफ वी गोइंग आउटसाइड ऑफ दैट डायरेक्शन. मगर मैंने पहले भी कहा और मैं फिर से एम्फसाइज करता हूँ कि इंसानी हकूक जो है, फ्रीडम ऑफ द प्रेस जो है, फ्रीडम ऑफ पोलिटिकल एक्टिविटी जो होते हैं, वो आपका फंडामेंटल राइट्स है. ये दीज शुड बी थिंग्स दैट वी डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन. एंड जहाँ तक मैंने कहा कि आई अंडरस्टैंड द लीगल ग्राउंड्स फॉर व्हाई मिस्टर नवाज शरीफ को अरेस्ट किया गया, लेकिन आप सियासी कारकुनों को, सियासी लीडरशिप अरेस्ट हुए हैं और अगर अभी भी अरेस्ट थे उसका मुझे समझ नहीं आ रहा है. और मैं जो जहाँ तक इलेक्शंस का स्टेटस है उसको मुतनाज़ा बनाने में इस किस्म के विदाउट हैविंग इक्वल प्लेइंग फील्ड अ कंट्रोवर्शियल इलेक्शन विल रिजल्ट इन अ कंट्रोवर्शियल पार्लियामेंट. और मैं समझता हूँ कि ये इस मुल्क का फ़ायदा में नहीं होगा. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जो इंशाल्लाह ताला इस इलेक्शन में पार्लियामेंट में आकर इन सब मिसाइल का सामना कर सकती है. आप पूछ रहे हैं
आज टीवी से जीता। सर ये बताएं कि सरदारी साहब ने पिछले जो बयान दिया कि संजरानी टाइप का बंदा मैं देख रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर आता हुआ, जब आपको भी तहफुजात हैं, आपके साथ जो दूसरी लीडिंग बड़ी पार्टी है मुस्लिम लीग नून की, उनको भी सीरियसली तहफुजात हैं कि नैब भी उनके खिलाफ एक्टिव है और दीगर वोट भी इदारे उनके खिलाफ एक्टिव है, तो क्या समझते हैं कि मिल बैठ कर इस चीज का कोई हल निकालने की तरफ जाएंगे आप, कि हम लोगों को भी अब एक पार्टी जो है वो दिन में तीन दिन जलसे करती है और आप लोगों को जलसा नहीं करने दिया जाता। देखो मैं जहाँ तक एब्सोल्युटली जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड है, जो कंप्लेंट्स हमें मिल रहे हैं मेरे पार्टी की तरफ से, जो कंप्लेंट्स मुझे एएनपी के लोगों से मिल रहे थे, काफ़ी जमातों से जो कंप्लेंट्स आते हैं वो सबूत के साथ इलेक्शन कमीशन के सामने भी पेश होंगे, हुए हैं, पार्लियामान में भी रेज करेंगे। लेकिन यू ये हमने पहले भी ये देखे हैं कि जब कोई कमज़ोर हुकूमत, आईजीआई टाइप हुकूमत, कठपुतली हुकूमत बनाया जाता है, वो वहाँ मिसाइल हल नहीं कर सकते हैं। और पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम्स है इस वक्त, ना सिर्फ इंटरनेशनल सतह पर, हमारा मुईशी जो मुश्किलात है, हमारा जो बॉर्डर्स पे टेंशन्स है, हमारा जो इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी का मुकाबला है, ये बहुत सीरियस इश्यूज है जो सीरियस सियासतदान ही, जिनके पास रूट्स है, जिन जो अवाम के हकीकी नुमाइंदे हैं, वो हल कर सकते हैं। आप बता, आप क्या नाम है आपका? आपका सवाल का बहुत शुक्रिया। नेशनल एक्शन प्लान के बारे में जब से ये प्लान बना और आज तक मैं मुसलसल इस पर बात कर रहा हूँ, जब भी ना सिर्फ कोई दहशतवर्दी का वाकया हुआ, लेकिन जब मैंने देखा कि हमारा इंटीरियर मिनिस्टर इसका खिलाफ वर्जी कर रहा है, जब भी इसका खिलाफ वर्जी हुआ, मैंने ना सिर्फ आवाज़ उठाई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पार्लियामान भी आवाज़ उठाई है, और मैं कहता भी, मैंने यहाँ तक कहा है कि हमने इस पर एक्सपैंड भी करना है, और इस पर जब हम आगे जाके हुकूमत बनाते हैं, पीपल्स पार्टी ही इसको इम्प्लीमेंट कर सकती है। लेकिन इस पर इम्प्लीमेंट इज नॉट जस्ट कि अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था, ये जब से बना है इसका मुसलसल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था, हर ऑल द 20 पॉइंट्स पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था। और अभी तक हमने ऑब्वियसली फाटा का मर्जर बिल भी पास हुआ था, लेकिन वो ग्राउंड पे अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। हम उसमें जो जुडिशल रिफॉर्म्स का एस्पेक्ट आना था वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, जो इंतहा पसंदी और हेट स्पीच के खिलाफ कदम हमने उठाना था वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, जिस तरीके से हमने अपने सिविलियन पुलिस फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग करना था वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो और मैं ये कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ, आप में किसी मेरा पुराना तकरीर उठा कर देखे, मेरे स्टेटमेंट्स भी उठा कर देखे, मेरे पार्टी की पोजीशंस उठा कर देखे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा नेशनल एक्शन प्लान के बारे में बात करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स पुट किए हैं पूरे मुल्क में, और मैं बिल्कुल मैं कैंपेन में एक्टिव हूँ और हैव काम कर रहा हूँ, पूरा पार्टी अपना काम कर रही है, और सदर जरदारी भी पब्लिक अपीयरेंसेस करेगा। मैं मलकन से और यहाँ से हमारा रिश्ता सिर्फ एक सियासी रिश्ता नहीं है,
اور میں انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں کہ جیسے ملکن کے عوام نے پہلے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیا انشاءاللہ اس دفعہ ساتھ دیں گے لیکن اگر میں ہارتا ہوں یا جیتتا ہوں میں ملکان میں اور خیبر پختونخوا کے اور پاکستان کا وفاق جو کے بنیادیں ہیں ان کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ جیسے پہلے ہم وفاقی سطح پر ہر ملک کے کونے کے ایشوز کو نیشنل لیول پہ لاتے تھے وہ پچھلے 5 سالوں میں نہیں ہو رہا ہے جو ملکان کے ایشوز ہیں ان کو اتنا سپیس وفاق کی سطح پر نیشنل سطح پر اور نیشنل میڈیا میں بھی نہیں ملتا ہے جو بلوچستان کے ایشوز ہیں ان کو بھی اتنا سپیس نہیں ملتا ہے جو دوسرے جو پسماندہ علاقے ہیں ان کی بھی وہ فوکس نہیں ملتا ہے اور میں ان آپ کا بنیادی حقوق کو آپ کے مسائل کو نیشنل اٹینشن بھی دینا چاہتا ہوں حل بھی نکالنا چاہتا ہوں جس میں تھوڑا سا میں نے ذکر کیا ود ان دا کانٹیکسٹ آف کہ جو علاقے دہشت گردی سے زیادہ افیکٹو ہے اس میں میں ملکان ڈویژن ضرور شامل کروں گا اس لیے یہاں شیر محترمہ بینظیر بھٹو نے بھی اپنی آخری تقریر میں ذکر بھی کیا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ میں ادھر کے جو گیس کا میں نے کہا کہ آپ نے پہنچانا ہے اس پر میں نہ صرف یہاں کا گیس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں جہاں گیس آتا بھی ہے وہاں اگر گیس نہیں وہاں کے لیے بھی میں آواز اٹھاؤں گا سندھ کے لیے بھی میں اٹھاؤں گا پورا پاکستان کے لیے اٹھاؤں گا لیکن میں یہاں سے الیکٹ ہو کے پھر میرا ذمہ داری ہوگا کہ میں نے آواز اٹھا کے گھر گھر تک پہنچانا پڑے گا ہمارا مینیفیسٹو میں پاکستان پیپلز پارٹی وہ والے جماعت ہے جو پانی پہ کافی دیر سے بھی کام کر رہا ہے اور آگے جا کے اس آواز کو اس ایشو کو میں نے فوکس کرنا ہے جیسے ہم سندھ میں مفت علاج پر فوکس کرتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ دوسری صوبائی حکومت بھی کوشش کرے کہ وہ مفت علاج پہنچائے جیسے ہم نے این آئی سی ڈی ٹی کا دل کا ہاسپٹل ہر آلموسٹ ہر ڈسٹرکٹ میں کھولا ہے سندھ میں اس طریقے سے صوبائی حکومتوں کو کوشش ہونا چاہیے کہ وہ اپنے صوبے میں ہر صوبے میں اس قسم کے قدم اٹھائے پیپلز پارٹی نے پہلے بھی یونیورسٹیز کو فوکس کیا ہے مجھے افسوس ہے کہ پچھلے 5 سال میں اس صوبے میں ایک بھی نیا سرکاری یونیورسٹی یا نیا سرکاری ہاسپٹل نہیں بنا ہے ہمارے پچھلے دور میں نیبرنگ ڈسٹرکٹ میں ہم نے یونیورسٹی کھولا ہے اور انشاءاللہ تعالی میں یہاں کے لیے بھی لڑوں گا کہ یہاں یونیورسٹی ہونے چاہیے میڈیکل یونیورسٹیز ہونے چاہیے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس ہونے چاہیے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی یونیورسٹیز ہونے چاہیے تاکہ آپ اپنے یوتھ کو پازیٹیولی انگیج کر سکے روزگار کو اپرچونیٹیز کو آپ نے اسپیشلی جو دہشت گردی کے پسماندہ علاقے ہیں وہاں کو آپ نے پرائیورٹی دینا پڑے گا تاکہ آپ ان نوجوانوں کو فیڈرل لیول پہ انگیج کرنے کے لیے روزگار کے مواقع دینے پڑیں گے اور جو میں میرا بس کی بات ہوگا میں یہاں کی عوام کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ میرا آواز ذرا زیادہ کلیئر ہو ان شاء اللہ تعالیٰ میں ہار یا جیت ادھر ہی رہوں گا ادھر کے لیے کام کر رہا میں نکل گیا آپ سوال کریں پھر آپ محمد جلیل دلیل سے ہمارا تعلق ہے جس طرح سینٹ چیئرمین شپ میں پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی نے جو اتحاد کیا 25 جولائی الیکشن کے بعد جو حکومت بننے والی ہے اس میں پی ٹی آئی اور آپ لوگوں کا اتحاد ممکن ہے کہ نہیں دیکھو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ میرے لیے یہ بہت مشکل ہے کہ جو دو آپشنز نظر آ رہے ہیں چاہے وہ نون لیگ ہو یا پی ٹی آئی ہو پاکستان پیپلز پارٹی کے نظریاتی ایشوز ہیں ان سے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی کوالیشن اگر کوالیشن کی بات ہی آتا ہے اور پیپلز پارٹی کا پوزیشن بنتا ہے کہ ہم نے کوالیشن کی سیاست کرنا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا مینیفیسٹو اس کی فنڈامنٹل کمپوننٹ ہونا چاہیے اور جو ہمارے فنڈامنٹل پرنسپلس ہے یا جیسے آپ کا 18th Amendment NFC Award کا امپلیمنٹیشن پرائیورٹائزیشن آف
terrorist affected areas, the implementation of the National Action Plan, hum hamara manifesto ko jo hum samajhte hain hamara manifesto pe zyada implement karega unke sath zyada matlab ye ki aap khilai makhlooq ko support karna hai yani iske taraf se agar koi main samajhta hu ki khilai makhlooq ko koi kirdaar nahi hona chahiye parliament mein aur parliament ke affairs mein last question aap puchein khalid ikbal yaar wahi news ये पिशावर और पटक के वाकयात के बाद आपके ख्याल में कौन सी नाजिदा कुवतें हैं जो हमारे सियासी और इंतखाबी निजाम को मतलब क्वेटा हमला की सॉरी और पिशावर के वाकयात के बाद ये कौन सी नाजिदा कुवतें आपके ख्याल के मुताबिक जो हमारे सियासी और इंतखाबी सिस्टम को सबसार करना चाहती है तो आया खुदा का खास्ता अगर इस तरह का कोई और वाकया होता है तो क्या मतलब 10-12 दिन बाद इंतखाबात का इनकार मुमकिन है Absolutely, मैं समझता हूँ कि दहशतगर्द तो चाहते हैं कि हमारे पास जमहूरियत ना हो फ्रीडम और हमारा जो फ्रीडम्स है वो कम्प्रोमाइज़ हो और हमने अगर मुल्क जैसे इराक है अफगानिस्तान है वहाँ वो इन किस्म की दहशतगर्दी के बावजूद इलेक्शंस होल्ड कर सकते हैं मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में भी elections वक्त पे होना चाहिए वन मोर द होल्ड द बेटा आपको होता आपके दो हो गए आप चीफ जस्टिस की जानिब से पानी के इशू के मसले पर क्या जवाब दिए जा रहे आप उसमें कितना हिस्सा डाल रहे हो क्या समझते हैं सर जी मैं समझता हूं मैं कोई शक आई डोंट वांट टू पुट आई हैव नो हाउ डू आई फ्रेज दिस एप्रोप्रिएटली फॉर यू मैं चीफ जस्टिस साहब की नीयत पे कोई शक नहीं करता हूँ और मैं जानता हूँ कि पानी का मसला एक बहुत बड़ा मसला है और इसको फोकस करना चाहिए लेकिन मैं साथ साथ इस फंडामेंटल प्रिंसिपल पे हूँ और जो मैं समझता हूँ एक दुनिया भर में एक प्रेसिडेंट है एक हकीकत है कि डैम्स बनाना और या डैम्स बनाना या फंड्स कलेक्ट करना जुडिशरी का काम नहीं होता है और जुडिशरी को जैसे मैं इंतज़ार कर रहा हूँ शहीद मोहतरमा बनर्जी भुट्टो के केस में इंसाफ के लिए शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के केस में इंसाफ के लिए जैसे इस मुल्क के वन दोनों कितने केसेस हैं कितने ख़ानदान हैं जो इंसाफ के लिए इंतज़ार में हैं इंसाफ दिलाना और उनका प्रायोरिटी होना चाहिए और इस किस्म के जो काम है वो दूसरे इदारे की जिम्मेदारी होते हैं बस बेटा आखिरी सवाल कर लो खत्म इमरान खान जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं नवाज शरीफ की जो इस्तेमाल कर रहे हैं देखो मैं पहले भी हमेशा से कहता आया हूँ कि हमें ये जो गालम गलोच की सियासत है जो नफरत अंगेजी की सियासत है इसका नुकसान अगर या कुछ इलेक्शन जितवाता है मुझे नहीं पता नहीं जितवाना चाहिए लेकिन अगर जितवाता भी है जो नुकसान नौजवानों को मुआशरे को सोसाइटी को पहुँचता है वो बहुत बड़ा है पीपल्स पार्टी ने हमेशा और कभी भी नहीं इस किस्म की गालम गलोच की सियासत किया है और ख़ास तौर पे जब आप बदज़बान आपके मुखालफीन के खिलाफ इस्तेमाल करें वो तो बुरा है लेकिन अगर आप अवाम के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे दैट इज़ एब्सोल्युटली आउटरेजस अगर आप जीतते हो अगर आप मुंतखब होते हो हुकूमत बनाते हो तो आप पूरे मुल्क का वज़ीर आज़म होते हो आप अपने सपोर्टर्स के सिर्फ वज़ीर आज़म नहीं होते हो और अगर आप कराची आकर मुखालफीन के सपोर्टर्स को जिंदा लाशें खेंगे और फिर आप पंजाब के में जो आपके सपोर्टर्स नहीं हैं उनको डोंकीस कहेंगे तो ये तो इंसल्ट है द हाईएस्ट इंसल्ट पॉसिबल आई कैन नॉट बिलीव कि ये हो सकता है कि आप अवाम को डायरेक्ट इस किस्म के बारे में लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि जितना ये अगर हम एक्सेप्ट करेंगे और हम कहेंगे कि नहीं ये चलेगा हमारे मुल्क में तो ये यहाँ नहीं रोकेगा आप एक हुकूमत बनाएंगे लेकिन और एक हुकूमत में बाद शायद रिटायर हो जाएंगे इस मुल्क के नौजवानों को इस मुल्क को इनहेरिट करना है
آپ جو اداروں جو انسٹیٹیوشنز پریسیڈنٹ سیٹ کرتے ہیں, جو ہمارے سیاستدان پریسیڈنٹ آج سیٹ کرتے ہیں, وہ آگے جا کے ہمارا سیاست کا, ہمارے معاشرے کا